ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैव गुर परसाद जप आदि सत युगाद सत है भी सच नानक हो सी भी सच जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय बाज बेनती जो भई बादशाही दसवीं हमरी करो हाथ दर अच्छा पूरन हुए चित की इच्छा हमरे दुष्ट सदै तुम खाओ आप हाथ दे मोहे बचाओ मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज सुनरी है पूरन होए हमारी आशा तो भजन की रह के आशा तुम्हें चार
साथ कोई अवर न त्याऊं जो बर जाऊं सुकुम ते पाऊं आप हाथ दे मुझे उबरिए मरन काल का त्रास भरिए राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे काल पाए ब्रह्मा बतरा काल पाए शिव जू अवतरा जमन काल जो भी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू कियो जमन काल सब जगत बनायो देव जात गच्छन उपजायो नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी कट कट के अंतर की जानत पले दुरे की पीर पहचानत संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी जब उदरक करा कर तारा पर जा थर कब दे अपारा जीते भजन श्रेष्ठ सब धार है आप अपनी भूल उतार है निरंकार निर्विकार निर्लंग आद अनिल अनाद असम ताको कर पान अनुमान महामूर कछ भेद न जानता कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ सिमट पे शंकर कहता
पर क्यों आना पड़ा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, त्रेता द्वापर कलयुग गुरु नानक पातशाह, ना जाने कितने भगत, कितने अवतार, क्यों आना पड़ा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हैरानी की बात तो ये है कि उनके आने के बावजूद दुनिया की ये हालत है। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि हमारे भारत की हालत इतने पीर पैगंबर सब यहीं पर। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर के देशों में गिनती के और भारत में हजारों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बावजूद हमारे देश की हालत सबको पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार करके देखो, अगर ये ना आते तो क्या होता? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने अवतार हमें आकर शिक्षा देते हैं, इतने सत्संग चलते हैं केवल भारत में, क्या करना है क्या नहीं करना है, सही रास्ता क्या है गलत क्या है हमें सब बताते हैं। उसके बावजूद हमारे देश की ये हालत, अगर ये पीर पैगंबर ना आते तो नरक ही होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह को धरती पर क्यों आना पड़ा? ये
इतिहास में लिखा हुआ है कि धरती ने पुकार की निरंकार के चरणों में कि मुझसे अब भार सहा नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि मुझसे अब भार सहा नहीं जाता, तरस करो मुझ पर से भार हटा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो निरंकार ने पूछा, किस चीज का भार है तुझ पर? पहाड़ों का? तो कहे तो पहाड़ खत्म कर दूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समुद्र के पानी का? तो समुद्र खत्म कर दूं। जंगलों का? तो जंगल खत्म कर दूं। किस चीज का भार है? अगर लोग ज्यादा हैं तो वो कम कर दूं। तो धरती ने कहा कि नहीं, इन चीजों का भार नहीं है, मुझ पर भार है अकीर्त घनों का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकीर्त घन बेईमान लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो शब्द श्रवण करने गुरु नानक पातशाह ने उच्चारण किया ये शब्द दुनिया की हालत देखकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कलयुग में ईमानदारी खत्म ही हो चुकी है। अकीर्त घन पता है किसे कहते हैं? जो किसी का किया भूल जाए, किसी के किए हुए एहसान को भूल जाए। और सबसे बड़ा अकीर्त घन कौन? जो प्रभु को भूल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने शरीर दिया, जिसने जन्म दिया, जिसने हर चीज दी, जो उसे ही भूल गया, सबसे बड़ा अकीर्त घन वो धरती पर भार है। वाणी कहती है, वाणी इस बात को प्रमाणित करती है। विसरया जिन नाम ते पुए भार थिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्हें प्रभु का नाम भूल गया, सबसे बड़ा अकीर्त घन वो धरती पर बोझ है। वाणी कह रही है, विसरया जिन नाम, जिन्हें नाम भूल गया ते भूए भार थी, वो धरती पर बोझ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब किसी से बात करो ना कि हमारी देश की हालत इतनी बुरी है, तो पता है बात क्या करेंगे? सारे जवाब एक ही देते हैं कि पॉलिटिशियंस की वजह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि हमारे पॉलिटिशियंस इतने बुरे हैं कि हमारा देश बुरा है। पर जरा विचार करके देखो, उनको चुनता कौन है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम ही चुनते हैं ना ईमानदार लोग। जितने ईमानदार हम हैं, उतने ईमानदार आदमी को हम चुन लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को समझना आज के प्रकरण को, कि ईमानदारी क्या है। ये एक पहलू है बहुत बड़ा इस शब्द के आधार पे, कि जिसके पास ईमानदारी है प्रभु उसके पास है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे अपनी एक बात याद आ गई। महापुरुषों के साथ मैं नांदेड़ के आगे किसी जंगलों में से हम जा रहे थे। जंगल के अंदर एक छोटा सा गुरुद्वारा हाईवे के साथ में लगा हुआ। महापुरुषों ने वहां पर देखा गुरुद्वारा है तो बैठ गए वहां पर, मुझे भी लेके बैठ गए। रात को हम वहीं रहे। सुबह हुई, अमृत वेला हुआ, तो उन्होंने कोई गाड़ी मंगवाई और उसमें चले गए और मुझे कहने लगे, एक घंटा यहाँ पर गुरु साहब जी को कीर्तन सुनाना तुमने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या एक घंटा गुरु साहब जी को कीर्तन सुनाना और उसके बाद दोपहर को तुझे गाड़ी लेने आएगी तो उसमें आना, तू यहीं पर रुक जा। कोई वजह होगी, महापुरुषों को कभी सवाल नहीं पूछा जाता क्यों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत वचन किया और मैं रुक गया। महापुरुषों के साथ दिन रात कीर्तन करना पड़ता था, सुबह दोपहर शाम रात, जब भी जब वो बोले। पर इस बार क्या हुआ, वो मुझे कह के थे कीर्तन सुनाना, वहां पर कोई भी नहीं, गुरु साहब जी का प्रकाश है। जो पाठी सिंह है वो प्रकाश करके जाके सो गया अमृत के लिए और मैं अकेला। महापुरुष भी चले गए। एक घंटा मैंने कीर्तन किया पर सात संगत जी इस तरह से किया जैसे कोई सुन ही ना रहा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेमन से कभी 15-15 मिनट बाजा बजाता रहूं जैसे कोई सुन ही ना रहा, कभी एक शब्द पढ़ लिया, कभी थोड़ी देर सोच में बैठ गया। मतलब जब कीर्तन हो गया, एक घंटा पूरा हो गया, तो मैं बैठकर पूरा दिन सोचता रहा कि मेरे मन में वो भावना ही नहीं आई कि गुरु नानक बैठकर सुन रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
अपने आप पर मुझे गुस्सा आ रहा था कि रोज मैं कीर्तन करता हूँ, कितने ध्यान से करता हूँ, आज कोई सुनने वाला नहीं है, तो मेरे कीर्तन में ये फर्क यार से बोली धन गुरु नानक, कमी कहाँ है? एहसास ही नहीं कि गुरु नानक बैठा है, महापुरुष कह के गए सुनाना है गुरुसाहिब जी को, और मुझे ये फील ही नहीं आ रही कि गुरुसाहिब जी बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमी किस चीज की है? ईमानदारी की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस दिन मैंने अपने आप को परखा, मुझे समझ में आई कि कितनी बड़ी कमी है मुझ में। और कई सालों बाद जाकर पूर्ण महापुरुषों के साथ जब मिलाप हुआ, मैंने कुछ बात की उनसे, ये बातें मैं आज बता रहा हूँ कि कुछ मिल जाए किसी को। मैंने उनसे कहा, कुछ मांगा, तो महापुरुष कहने लगे, गुरु की कृपा तुझ पर उस दिन होगी जिस दिन एक आदमी सुनने वाला हो या 1,00,000, तेरे कीर्तन में फर्क नहीं आना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ना। हम जो कुछ भी करते हैं दिखावे के लिए करते हैं, हम ईमानदार नहीं है साथ संगत। महापुरुष साथ में होते थे तो मेरा कीर्तन कुछ और, वो नहीं थे तो कुछ और, ईमानदारी नहीं। हम खुद को ही परख लें, सब जानते हैं। हम गाना भी तभी शुरू करते हैं, आंख भी तभी बंद करते हैं जब कैमरा हमारे ऊपर आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसके लिए बैठे हैं हम? कितने ईमानदार हैं हमें पता है। और ये ईमानदारी इतनी जरूरी है, इस शब्द को अगर आप पूरा समझेंगे हम थोड़ी देर में, इसमें यही बात है कि जिसके पास ईमानदारी है गुरु नानक उसके पास चल कर आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा के तीन सिद्धांत साथ संगत जी, तीन सिद्धांत। मूल सिद्धांत, सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी में बार बार हर पंक्ति में हर अंग में हर शब्द में एक बात आती है कि नाम जपो, नाम की बढ़ियाई है। पर जब गुरु नानक पाशा ने तीन मूल सिद्धांत बनाए तो नाम को दूसरे नंबर पर रखा। पहले रखा सच्ची सुच्ची कीर्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्म की कीर्त, कि अगर तुम्हारी कीर्त, तुम्हारा काम, तुम्हारा धंधा, तुम्हारा बिजनेस अगर ईमानदारी का नहीं है तो जपा हुआ नाम भी फल नहीं देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत कम फल रह जाता है उसका। बाबा नंद सिंह जी तो इसे इस प्रकार समझाया करते थे, कहते थे कोई ईमानदार आदमी है जो रिश्वत नहीं लेता, अपनी पूरी मेहनत करके खाता है। अगर 8 घंटे का, बाबा नंद सिंह जी तो ऐसे समझाते थे, अगर किसी का 8 घंटे का जॉब है 9 घंटे काम करो, ये है ईमानदारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाबा नंद सिंह जी ने ये करके दिखाया था। जब उन्होंने काम करना शुरू किया तरखान का, कारपेंटर का, तो जहां काम करने गए पहले एक शर्त रख दी कि मैं काम करूंगा 1 रुपए के बदले 12 नहीं लूंगा, पहली शर्त। काम में 2 घंटे ज्यादा करूंगा, और तीसरी शर्त मुझे कोई बुलाएगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ताकि मैं सिमरन करता रहूं। हमें सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया बाबा नंद सिंह जी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ईमानदारी, गुरु नानक पाशा ने पहल दी ईमानदारी को। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे ना, गुरु नानक पाशा भाई मर्दाने भाई बालाजी को कहते थे आंखें बंद कर और पहाड़ों में पहुंच जाते थे, इतनी शक्ति, जहां चाहे वहां प्रकट हो जाते थे। पर कई बार कई दिनों तक चलते थे, तो भाई मर्दाना जी भाई बालाजी पूछते थे आज क्यों चल रहे हैं हम? तो जब जब गुरु नानक पाशा चल कर गए, कहने लगे आज जिसके पास जा रहे हैं ना, ये फल मिलेगा हमें उसके पास, उसके दर्शन करने का, क्योंकि जिसके पास जा रहे हैं वो ईमानदार आदमी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई लालो के पास गए, चल कर गए, जितने भी ऐसे गुरसिख आए, सालसराय जौहरी के पास गए, चल कर गए, ईमानदारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा ने जब दुनिया का ये हाल देखा तो ये पंक्तियां उच्चारण की, और दो पंक्तियां पढ़े फिर विचार आगे बढ़ाते। दुनिया कैसी होई,
लंदन की घटना, बड़े ध्यान से इसे समझ। उस जमाने में शेक्सपियर का एक थिएटर में एक ड्रामा चला, वो ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ, हर आदमी उसे देखने जा रहा है। जो मुख्य चर्च है उसका फादर रोज उसे लोग आकर कहते हैं कि क्या ड्रामा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, शेक्सपियर ने क्या ड्रामा लिखा है, ये ड्रामा तो जरूर देखना चाहिए, ऐसा ड्रामा आज तक नहीं देखा है। नाटक प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उस समय फिल्में नहीं होती थी, ये थिएटर होते थे। तो चर्च के फादर का मन किया कि मैं वो जाकर देखूं, पर जा नहीं सकता, लोग क्या कहेंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, कि है संत और आ गया थिएटर में पिक्चर देखने, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये भी एक पहलू है सत्संग जी, इसको थोड़ा समझ ले, बीच में बात आ गई थी। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, कहते थे जिसे लोग थोड़ा रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें, मानना शुरू कर दें कि ये कुछ है, उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि लोग उसे फॉलो करते हैं, उसका एक गलत कदम कईयों को तोड़ देता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे चाहे दिखावे के लिए ही सही, अगर सफेद कपड़े पहन लिए तो उसकी इज्जत रखो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हमारे जैसा कोई आदमी शराब की दुकान से उतरता हुआ दिखाई दे तो कितने लोग टूटेंगे, विचार करो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष तो समझाते थे गाड़ी भी अगर कहीं खड़ी करो तो देख लिया करो वो आसपास में शराब की दुकान तो नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि देखने वाला तो यही सोचेगा कि शायद शराब की बोतल खरीद कर आया है। और कहते थे ये दिखावे के लिए करेगा, गुरु की कृपा हो जाएगी, अंदर से ही खत्म हो जाएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिम्मेदारी होती है, चर्च के फादर को भी यही जिम्मेदारी। अब वो सोच रहा है कि अगर मैं चला गया नाटक देखने तो लोग क्या कहेंगे, मेरी बड़ी निंदा करेंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसने चिट्ठी लिखी थिएटर के मालिक को कि क्या आप मेरे लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं कि कोई अलग रास्ता हो आने का, पीछे का, जिससे लोगों को पता न चले कि मैं आया हूं, कोई देख ना सके। उसके बाद मेरे बैठने का भी कोई ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है, अलग बालकनी हो, किसी को पता ना चले मैं नाटक देख रहा हूँ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। है चर्च का फादर पर रहा नहीं जा रहा लोगों की तारीफ सुनकर, चिट्ठी लिखी कि कोई ऐसा रास्ता मुझे दे दो कि लोगों को ना पता चले, बैठने की जगह ऐसे दे दो लोगों को ना पता चले, ना कोई देख सके, ना आते हुए ना जाते हुए ना नाटक देखते हुए। तो थिएटर के मालिक ने चिट्ठी लिखकर वापिस भेजी, क्या लिखा उसमें, बड़ी कमाल की बात है कि थिएटर के मालिक की जो अवस्था है वो फादर की भी नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लिखता है कि हमारे पास रास्ता है, वीआईपी रास्ता, आपको वहां से ला सकते हैं, कोई दुनिया का कोई आदमी आपको नहीं दिखेगा, बालकनी भी हमारे पास छिपी हुई है वीआईपी के लिए, कोई नहीं देख सकेगा कि आप नाटक देख रहे हो। पर आखिर में लिखता आई वॉन्ट बी एबल टू सेव यू फ्रॉम गॉड्स आईज, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि मैं दुनिया की आंखों से तो आपको बचा लूंगा पर भगवान की आंखों से मैं नहीं बचा सकता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ईमानदारी, हम दुनिया से तो बच सकते हैं चलाके करके, बस ये है ईमानदारी, जिसे ये महसूस हो गया, कई लोग इसे कॉन्शियस कहते हैं, कई लोग इसे अंतरात्मा कहते हैं, कई लोग इसे जमीर कहते हैं, पर नाम एक ही है इन तीनों का, परमात्मा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम कोई गलत काम करते हैं हमारे कॉन्शियस हमें तंग करती है, परेशान करती है, वो कौन है, हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा, भाई तू क्या कर रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसने अपने कॉन्शियस की आवाज सुन ली उसने परमात्मा की आवाज सुन ली, अंतरात्मा यानी परमात्मा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस दिन हमने इसे सुनना शुरू कर दिया
ईमानदारी आएगी ही आएगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नानक दुनिया कैसे हुई? गुरु नानक पातशाह दुनिया को देखकर कह रहे हैं कि ये दुनिया कैसी हो चुकी है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान दिखाई ही नहीं दे रहा जो ईमानदार हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ज्यादातर जब ये बात कही जाती है ना, कोई नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब होता है ज्यादातर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बीच किसी चीज का खत्म नहीं होता, अगर ईमानदार लोग ना हो धरती ही खत्म हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बीच किसी चीज का खत्म नहीं होता, पर ज्यादातर परसेंटेज जो लोग हैं वो बेईमान लोग हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेरे करे साथ संगत जी, हम अमृत वेले उठते हैं, गुरु नानक हमें अमृत वेले उठाता है, अपने चरणों में बुलाता है। दास अक्सर कहता है कि अगर प्रैक्टिकल जीवन में हमारे बदलाव नहीं आया ना, अगर लोग उंगली उठाकर कहने लगे देखो अमृत वेले जाता है फिर भी हेरा फेरिया करता है, उंगली गुरु पर उठती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कोई ईमानदारी से अपना काम करता है तो उस्ताद भी उसकी वजह से गुरु की होती है कि गुरु नानक का सिख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हाँ दो पंक्तियां पर दुनिया 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 नानक पाशा कह रहे हैं, सालक मित्र न रहे हो कोई, कोई ऐसा मित्र दिखाई नहीं दे रहा जो सही रास्ता दिखाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सही रास्ता क्या है? जो खुद जपे और दूसरों को जपाए, ऐसे इंसान दिखाई नहीं दे रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई बंदी हेत चुकाया, दुनिया कारण दीन गवाया। के लोग दुनिया क्या कर रहे हैं? अपने रिश्तेदारों को खुश करने के चक्कर में, मोह में फंसकर अपने रिश्तेदारों को खुश कर रही है, अपने परिवार को खुश कर रही है, पर उसके लिए ना जाने कितने पाप कर रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु को भूल चुकी है मोह में फंसकर दुनिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया कारण दीन गवाया। दीन कहते हैं धर्म को। दीन किसे कहते हैं? धर्म को। दुनिया को खुश करने के लिए करते हैं हम अक्सर सत्संग। अच्छे अच्छे सत्संगियों को दास ने देखा है जो खाते भी नहीं नॉनवेज, पीते भी नहीं शराब, पर शादी होती है बेटी की या बेटे की तो कहते हैं क्या करें, रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। उनको खुश करने के लिए गुरु को पीठ दे देते हैं, हजारों जानवरों का कत्ल कर देते हैं, शराब भी पिलाते हैं। क्या किया? गुरु को पीठ दे दी, दुनिया को खुश कर दिया, धर्म गवा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुनिया कारण दीन गवाया। दीन कहते हैं धर्म को, और धर्म के दो पहलू हैं। हम कहते नहीं धर्मी बंदा है, धर्मी आदमी है, इसका भाव क्या है? ये ईमानदार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके हृदय में दया है, ये दयावान है, ईमानदार है, ये पहचान है धर्मी इंसान की, ये तो क्या फायदा धर्मी होने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुनिया है कर के ओह करेन, गल्ला पिटन सिर खोहेन। ये बड़ी गहरी पंक्ति है साथ संगत जी। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं, जो बेईमान लोग होते हैं ना वो मोह में फंसे होते हैं। ध्यान देना कि ईमानदारी के पहलू कितना बड़ा है। जो बेईमान लोग होते हैं वो मोह में फंसे होते हैं, जब उनके घर में किसी की मृत्यु होती है तो वो सहन नहीं कर पाते क्योंकि मोह में जकड़े पड़े हैं। वो अपनी छाती पीटते हैं, अपने बाल नोचते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। है करके ओ करेन, गल्ला पिटन सिर खोहेन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। कौन? जो बेईमान लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं वो मोह में फंसे होते हैं, वो थोड़ा सा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जो गुरु के भाड़े में चलने वाले होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, नाव लैन और करण समाये, ऐसे समय में जब उनके किसी जिससे वो बहुत प्रेम करते हैं
जो नजदीकी है उसकी मृत्यु हो जाए, परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, तो उसका भाणा मान के नाम जपते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये ताकत ऐसे कैसे है? ईमानदारी से। जो ईमानदार है, जिसने अपना दीन नहीं गवाया, उसकी ये अवस्था हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ईमानदारी की ताकत को पहचानो। हम तरसते हैं कि गुरु नानक के दर्शन हो जाए, ये जीवन सफल हो जाए। गुरु नानक पाशा कहते तो ईमानदार बन, मैं तेरे पास आऊंगा चलकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सालस राय जौहरी से कहा था गुरु नानक पाशा ने, हम तेरे पास केवल इसके लिए चलकर आए क्योंकि तू ईमानदार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जितने भी लोग हैं उन्होंने दो मूलिया देकर, दो गाले गाजर लेकर, कुछ ना कुछ लेकर ये हीरा खरीदने की कोशिश की है लाल, मूर्ख समझकर मर्दाने को। पर तूने 100 रुपए रख के माथा टेका और लाल भी वापस भेज दिया कि इसे खरीदने की मेरी हैसियत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ईमानदारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुनिया 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 सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ी कमाल की बात है साथ संगत जी, दान करते वक्त हमें लगता है कि प्रभु देख रहा है इसका कई गुना फल देगा। कमाल की बात है, चोरी करते वक्त पता ही नहीं होता कि वो देख रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, चोरी करते वक्त लगता है कि वो है ही नहीं, ईमानदार है हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरदास करते हैं तो सोचते हैं कि गुरु सुनेगा, गुरु है हाजिर नाजिर है, पर जब निंदा करते हैं तो भूल जाते हैं कि वो भी सुनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुण्य करते हैं तो विश्वास रखते हैं कि गुरु देखेगा, पाप करते हैं तो गुरु नहीं देखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम अपने हिसाब से भगवान को पैदा प्रकट करते हैं, अपने हिसाब से उसे गायब कर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने पहले भी एक बार बात कही थी, हम रास्ते से जा रहे हैं, दो मूर्तियां पड़ी, एक राम की एक रावण की, कौन सी उठाएंगे? सब राम की उठाएंगे, रावण की मूर्ति कौन अपने घर पे रखता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब वापस बाजार से जा रहे हो, दो मूर्तियां पड़ी हो, एक राम की एक रावण की, पर इस बार रावण की हो सोने की, राम की हो मिट्टी की, कौन सी उठाएंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सबको पता है कौन सी उठाएंगे क्योंकि हम ईमानदार हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक साधु महात्मा एक गांव में गए, गांव में आने के वजह से लोग नाम जपने लगे, गांव की वाइब्रेशन ही बदल गई क्योंकि बड़े कमाई वाले महापुरुष थे, सब बंदगी में जुड़ते हैं, नाम जपते हैं, झगड़े कम हो गए, एकता बढ़ गई। तो जब वो जाने लगे, सारे गांव इकट्ठा हो गया कि मत जाओ, आपके आने से पूरे गांव में तब्दीली आ गई,
बच्चे भी सही रास्ते पे आने लगे, मत जाओ छोड़कर। महापुरुष कहने लगे, पानी चलता ही भला, साधु चलता ही भला, रुक जाए तो बदबू मारने लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर गांव वाले बात माने ना, पीछे ही पड़ गए। तो महापुरुष कहने लगे, ठीक है मेरी एक शर्त है, मैं रुक जाऊंगा, अगर खीर बन गई तो मैं रुक जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गांव वाले हैरान हुए, खीर बन गई, खीर बना देते हैं? कहने लगे, नहीं ऐसे नहीं, एक तंबू लगाओ, उसमें कड़ाह रखो, उस कड़ाई के ऊपर काला कपड़ा डाल दो, एक एक आदमी जाके कल सुबह एक लोटा दूध का लेके आएगा, उस कड़ाई में डालेगा, एक एक करके जाएगा, कोई देखेगा नहीं, अगर खीर बन गई तो मैं नहीं जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो गांव वाले खुश हो गए, कौन सी बड़ी बात है, अनाउंस कर दिया गया पूरे गांव में, डिंडोरा पीट दिया गया कि कल सुबह हर आदमी एक लोटा दूध का लेके आएगा, एक एक करके अंदर तंबू में जाएगा और कढ़ाई में डालेगा, खीर बनानी है, खीर बन गई तो महापुरुष नहीं जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबने डाला दूध, जब कढ़ाई में से कपड़ा उतारा तो सिर्फ सफेद पानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। केवल कुछ लोगों ने दूध डाला, बाकी सबने पानी ही डाला, ये सोच करके वो तो दूध डालेगा, मेरे एक लोटे पानी से क्या फर्क पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। हर आदमी ने सोचा कि मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा, बाकी सबने तो दूध ही डालना है, और सबने पानी डाला, केवल दो चार लोगों ने दूध डाला। तो महापुरुष मुस्कुरा पड़े, देखो खीर नहीं बनेगी, क्योंकि पानी की खीर नहीं बनती। और महापुरुषों ने तब समझाया कि आज तक ये बात मैंने हर गांव में की, जहां भी जाता हूँ, आज तक मेरी खीर नहीं बनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ईमानदार है ना हम, आज तक खीर नहीं बनी। गुरु नानक मेहर करे, अमृतला ट्रस्ट की संगत की खीर बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसी उम्मीद से बैठे हैं सात संगत, इसी उम्मीद से बैठे हैं अमृत वाले पाचा, हम अवगुणों से भरे हुए हैं, तेरे चरणों में आए हैं, मानते हम बेईमान हैं, ईमानदार नहीं, तू तरस कर हमारी बेईमानी निकाल के ईमानदारी भर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम इस लायक ही नहीं कि ईमानदार बन सके, ये झुक कर गिर कर अरदास करो, पाछा तरस कर, तरस कर हमें ईमानदार बना दे, ताकि तेरी प्राप्ति हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 नाम करण समाए, नाम करण समाए, नाम करण समाए, नानक तिन बलहार जाए, नानक तिन बलहार जाए, दुनिया कैसी होए, दुनिया दुनिया दुनिया।
सरस्वती गायत्री वेद माता चारों ताम ते सर्व सिद्ध पीठ माए तू ही ज्ञान ते ध्यान ब्रह्म ज्ञानिया दा पूजा पाठ मर्यादा तेरी तुमाए मंदमती है बुद्धि है मूड मेरी तेरे चरण गुरुदास दी प्रीत मां सर्व कला संपूर्णी जगत जननी बख्श मानु गीत संगीत माए शेरावाली माँ तू है मेरी मेरा वाली माँ तू है मेरी शेरावाली माँ तू है मेरी मेरा वाली माँ कोई रोको ना कोई टोको ना कोई रोको ना कोई टोको ना मैं तो होर पढ़ाइया पढ़ गई पढ़ गई पढ़ गई पढ़ गई मस्ती चढ़गी मैया जी तेरे नाम की मस्ती तेरे नाम की मस्ती चढ़गी मैया जी तेरे नाम की मस्ती शेरा वाली माँ दे शेरा वाली माँ दे शेरा नाल मेरी अख लड़की 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 तेरे नाम की मस्ती चढ़गी मैया जी तेरे नाम की मस्ती तेरे नाम की मस्ती चढ़गी मैया जी तेरे नाम की मस्ती काली काली महाकाली काल के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते काली काल के महा जगदम्बे तेरे नाम विच सर्व आनंदे तैनु आखदे पुजारी अंबे अंबे तैनु आखदे पुजारी अंबे अंबे नी भुल चुक माफ करी माये माये नी जोतां जागदियां तेरे आईए ते जोत जगाइए नी भुल चुक माफ करी माये माये नी जोतां जागदियां तेरे आईए चुकंतर मैं कमली की जाना जाना ते मैं इक नू जाना होर न कोई पछाना होर न कोई पछाना होर न कोई पछाना मैं ते जाना मैया दे दरबार जिथे जोतां दी चमकार जिथे टलियां दी छणकार मैं ते जाना जिथे वजदे शंख हजार जिथे आप सच्ची सरकार बेड़े कर दी सब दे पार मैं ते जाना साईं दे दरबार च मंगती कहंदी बारंबार मैं ते जाना कोई रोको ना कोई टोको ना कोई रोको ना कोई टोको ना मैं तो होर पढ़ाइयां पढ़ गई भैया तेरे नाम की मस्ती चढ़गी मैया जी तेरे नाम की मस्ती भैया जी तेरे नाम की मस्ती चढ़गी मैया जी तेरे नाम की मस्ती झंडे वाली माँ दे झंडे वाली माँ दे झंडे लेके पौड़ियां चढ़गी करके कृपा मेरी माँ मैं
ते मंगती तेरे कर दी कर कृपा मेरी मां मैं ते मंगती तेरे कर दी लाके मोर खजाने वाली लाके मोर खजाने वाली पास करे जे अर्दी तेरा कुछ नी कटदा मां साडी छोटी छोटी अर्दी तेरा कुछ नी कटदा मां साडी छोटी छोटी अर्दी आदि अनंती सदा वसंती वेद पढ़ंती असुरों का वध करने वाली भक्तों की तुम लाज बचंती आदि अंत परिपूर्ण तू है सर्व कला संपूर्ण तू है अर्थ निरंजन पक्की माया शक्ति त्रिशूलन तू है शिव शक्ति त्रिशूलन तू है शिव शक्ति त्रिशूलन तू है तू ही तू है तू है तू ही तू है तू ही तू है मैं मेरी ते मरगी 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 भैया तेरे नाम की मस्ती चढ़गी मैया जी तेरे नाम की मस्ती भैया तेरे नाम की मस्ती चढ़गी मैया जी तेरे नाम की मस्ती भैया तेरे नाम की मस्ती चढ़गी मैया जी तेरे नाम की मस्ती भैया तेरे नाम की मस्ती चढ़गी मैया जी तेरे नाम की मस्ती तेरा प्यार न बदला माँ बस तेरा प्यार न बदला बस तेरा प्यार न बदला माँ बदले लाख जमाने सर पे हाथ सदा रखना माँ चाहे बदले लाख जमाने चरणों में सदा रखना माँ चाहे बदले लाख जमाने कोई भी नहीं अपना मेरी माँ वर्गा किधर नहीं लभना मेरी माँ वर्गा मेहरम नहीं दिसदा मेरी माँ वर्गा कोई भी नहीं दूजा मेरी माँ वर्गा जिस दे चरना दे विच जन्नत है हरीक मन्नत किस दा रुतबा मेरी मां वर्गा कोई भी नहीं दूजा मेरी मां वर्गा सजा रहे खुशियों का संसार हमेशा बसा रहे माँ तेरा दरबार हमेशा सजा रहे खुशियों का संसार हमेशा बसा रहे बंधन तेरा मेरा यही बंधा रहे सन मेरे प्यार तेरा माँ सदा रहे
बस तेरा प्यार न बदला माँ, बस तेरा प्यार न बदला, बस तेरा प्यार न बदला माँ, बदले लाख जमाने सर पे हाथ सदा रखना माँ, चाहे बदले लाख जमाने चरणों में सदा रखना माँ, चाहे बदले लाख जमाने। कोई भी नहीं अपना मेरी मां वरगा, किधर नहीं लभना मेरी मां वरगा, महरम नहीं दिसदा मेरी मां वरगा, कोई भी नहीं दूजा मेरी मां वरगा, जिस दे करना दे विच जन्नत है, किस दा रुतबा मेरी मां वरगा, कोई भी नहीं दूजा मेरी मां वरगा। जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय तेरा प्यार न बदला माँ, बस तेरा प्यार न बदला, बस तेरा प्यार न बदला माँ, बदले लाख जमाने। महामंत्र है जो भी इसको धाता है, चाकरे है जो भी इसका बड़भागी कहलाता है, मैया मेहरों वाली से वो, मैया मेहरों वाली से वो जो चाहे सो पाता है। जय माता दी बोल मनवा, जय माता दी बोल।
मन से एक बार जो जय माता दी बोलेगा, जय माता दी बोलेगा, जय माता दी बोलेगा। बंद नसीबों का वो अपने खुद ही ताला से एक बार जो जय माता दी बोलेगा, एक बार जो जय माता दी बोलेगा, बंद नसीबों का वो अपने खुद ही ताला खोलेगा, बंद नसीबों का वो अपने खुद ही ताला खोलेगा। कैसे भी हालात हो चाहे, कैसे भी हालात हो चाहे, कभी नहीं वो डोलेगा। जय जयकारा आसुरों का संहार करे, भक्ति का विश्वास जगाए, टूटे मन में आस भरे, भव के सागर को साहिल वो, भव के सागर को साहिल वो हंसते हंसते पार करे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल मनवा, जय माता दी बोल, जय माता दी बोल मनवा, जय माता दी बोल। ना हो डावा डोल मनवा, जय माता दी बोल, ना हो डावा डोल मनवा, जय माता दी बोल। बोलो सारे बोलो, मिलकर बोलो, जोर से बोलो, शेरा वाली, मामगरा वाली, जोता वाली, लाटा वाली, मामगिरों वाली, देवी माँ भोली, भट्टे की झोली, मामाज कवारी, भक्तों को प्यारी, जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम
तेरा नाम पुकारती आरती हो
यारी थी जोता वाली ये माँ तेरी यारी थी लक्ष्मी गौरी तू अपने आप है जोहरी तेरी कीमत तू ही जाने तू बुरा भला पहचाने ये कहते दिन और राती तेरी लिखी न जाए पाती कोई माने या ना माने हम भक्त तेरे दीवाने तेरे पांव सारी दुनिया पखारी थी जोतां वाली ये माँ तेरी यारी थी सतवंती हे पतवंती रसवंती मेरी सुनना ये विनंती मेरा चोला रंग बसंती हे दुख भंजन सुख दाती हम सुख देना दिन राती जो तेरी महिमा गाए मुँह मांगी मुरादे पाए हर आंख तेरी ओर निहारी थी जोता वाली ये माँ तेरी यारी थी काल महाशक्ति हम दे दे ऐसी भक्ति हे जग जननी महामाया है तू ही धूप और छाया तू अमर अजर अविनाशी तू अनमिट पूरन माशी सब करके दूर अंधेरे हम बख्शो नए सवेरे तू तो भक्तों की बिगड़ी समारी थी जोता वा